आप लोग शांति से बैठ जाइए। तो जहां पे कल मेरा डिलीट हुआ था वहीं से शुरू करूं या कैसे बताइए, शुरू से शुरू करूं या कल जहां पे मेरा डिलीट हो गया था फाइल वहीं से मैं शुरू करूं? कैसे शुरू से बताऊंगा यार, तब तो फिर से सतयुग आ जाएगा बताते बताते मेरे को। शुरू से बताऊं? चलिए शुरू से फिर से बनाते हैं। गलती से डिलीट हो गया मेरा कल, मैं क्या बताऊं, मुझे रात भर नींद नहीं आया। ठीक है चलिए देखते हैं क्या हुआ रामायण के अगले पार्ट में। वो फॉर्मूला तो मैं एक्सप्लेन कर दिया था ना, उस फॉर्मूला में तो कोई किसी को समस्या नहीं है। क्यों? जो फॉर्मूला मैं बनाया था सीट का नाम निकालने के लिए, उसमें तो किसी को समस्या नहीं है ना, है? चुपचाप बताओगे? जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको एक्सेल सीट का नाम निकालने के लिए, कल जो एक्सप्लेन में किया था आपको, उसमें समस्या है या नहीं है? तो कॉपी पेस्ट में कर सकता हूं, सामने ही लिख रहा हूं आपके। ठीक है चलिए जी, बारी बारी से लिखूं या एक ही बार में लिख दूं? चलिए सबसे पहले मैं सेल फंक्शन लिखूंगा। सेव कर देता हूं, बड़े ध्यान से आज करूंगा भाई, कल डिलीट हो गया था मजा नहीं आया मेरे को। ATT अटेंडेंस, पता नहीं क्या इसका स्पेलिंग है। ठीक, बोल रहा है रिप्लेस कर दूं, कर देना, अब कल तो कर ही चुका था डिलीट, तो आज करने में क्या परेशानी है। देखिए आ गया, अब इसमें से मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट का पोजीशन निकालूंगा जी, इक्वल टू का साइन दो, फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करो, ये लिखूंगा, कॉमा दूंगा, वन लिखूंगा, विद इन कैरेक्टर पूछ रहा है, ये दे दूंगा, कॉमा दूंगा, बोल रहा है स्टार्ट नंबर, मैं एक दे देख के एक करके एंटर कर दूंगा, 41 यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया आपको? इसमें एक और जोड़ दूंगा ताकि इस का बताए पोजीशन। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मीडियम फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, मिड फंक्शन, ये बोल रहा है टेक्स्ट बताओ। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट बता दिया, कॉमा स्टार्ट नंबर ये बता दिया मैंने, फिर कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर इसमें बता दिया मैं 31 दे दो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 31 कैरेक्टर में ही सीट का नाम हो सकता है, एक्सेल 2010 के अकॉर्डिंग हो सकता है कि 12 में और हायर वर्जन में ज्यादा हो जाए, इसकी समझ मुझे नहीं है। हो सकता है 256 या 55 कैरेक्टर आ जाए 2013 में या 2020 में, मैंने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है अभी। ठीक है, पर दिखा दूंगा आपको कभी। आ गया सीट वन, इसका नाम मैं रिनेम करता हूं और कर देता हूं JAN। ठीक, तो यहाँ पे जनवरी आ गया। ठीक है, अब इस फंक्शन को कंबाइन एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए जी, इक्वल टू का साइन यहाँ पे मैं करता हूँ, इक्वल टू का साइन दूंगा। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया था? ओह, सेल फंक्शन, सेल किया, कंटेंट ले लिया, एंटर मार दिया, ए आ गया, फिर F2 दबा के एडिट किया। अब इसमें करूँगा फाइंड, यहाँ पे फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल किया था ना, FIND, आप लोग भी ऐसे आराम के साथ कर लेना। बोल रहा है फाइंड टेक्स्ट, फाइंड क्या करना है जी, बड़ा वाला ब्रैकेट फाइंड कर लो, फिर बोल रहा है विद इन टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट जो है ये सेल फंक्शन हमको टेक्स्ट दे देगा। फिर बोल रहा है कितना नंबर पर, नंबर ऑफ कैरेक्टर पहला से फाइंड करना शुरू करो ना, एंटर किया 41 आ गया। ठीक है, अब इसमें मैं प्लस एक जोड़ दूंगा, ठीक है, तब 42 हो जाएगा। क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि 41 रहेगा तो इस ब्रैकेट वाला का पोजीशन बता रहा है, और 41 से निकालूंगा मैं तो जनवरी के साथ साथ ये ब्रैकेट भी आ जाएगा, और मुझे वो चाहिए नहीं। ठीक, अब इसके बाद क्या किया मैं, ये क्या मीडियम फंक्शन को कॉल कर लूंगा, मिड। अब बोल रहा है टेक्स्ट बताओ कौन सा टेक्स्ट है, तो मैं बता दूंगा जी सेल फंक्शन दे दूंगा इसको, ये ले लो जी। ठीक, कॉमा, अब बोल रहा है स्टार्ट कहाँ से करूँ जी, तो फाइंड फंक्शन जितना लगा हुआ है ये स्टार्ट करने का पोजीशन है। कॉमा, अब बोल रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना कैरेक्टर निकालना है, मैं दे दिया जी 31 कैरेक्टर निकाल के दे दो, 31 कैरेक्टर में हम खुश हैं, हमको ज्यादा चीज का लोभ लालच नहीं है। जनवरी आ गया, डिलीट कर देता हूँ जी।
ये जनवरी आपने देख लिया, यहाँ पे ऐसे लिखा है, देख लिया ना। चलिए अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, या यहीं पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू का साइन देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगाया था कल, डेट वैल्यू। चलिए आप लोग का याददाश्त तगड़ा है, मेरा ही खराब है। ये दे दिया, कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, ये दे दूंगा, ठीक, एंटर मार दिया, ये कोड आ गया। इस कोड को बदलना पड़ेगा हमको, कस्टम फॉर्मेट कर लेंगे हम, ठीक है जी। फॉर्मेट कौन सा रखा था मैं कल, अरे कोई भी फॉर्मेट हो, क्या लेना देना है हमको उससे, स्पेस वाई वाई वाई, एंटर जी। 1 जनवरी आ गया है 2021, हम 2022 का कैलेंडर बनाते हैं, बना लेना। इसमें कॉन्केटिनेट कर दोगे तो हो जाएगा, कल मैं किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, 2021 22 का बनाते हैं, मजा आएगा, ठीक। 2022 आ गया, यहाँ पे मैं इसलिए करता हूँ ना कॉन्केटिनेट, ताकि ये सिस्टम का मत उठाए, सिस्टम का उठा लेगा तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, पिछले साल का अटेंडेंस मैं कैसे देखूंगा, ठीक है। आप चाहो ना तो ये 2022 को किसी अदर सेल में रख लो और फिर इसका एड्रेस कॉन्केटिनेट कर दो यहाँ पे, ठीक। हमारा कैलेंडर वर्क कर रहा है, ये पता कैसे चलेगा, यहाँ पे इसलिए 2021 रहने देता हूँ मैं, ठीक है, और इसको कर देता हूँ दिसंबर, ठीक, DEC हो गया, ये देख लो जी आ गया ना। अब यहाँ पे लिखता हूँ 2, अब इधर लगा दूंगा मैं इंड फंक्शन, ठीक। कौन सा इंड फंक्शन, महीना का इंड ऑफ वाला, ये ले लो जी, 0 दे दूंगा इसमें जी, ये हो जाएगा जी यहाँ पे, इसका फॉर्मेट मैं करूंगा यहाँ से कॉपी और कर दूंगा जी यहाँ पे पेस्ट। आप लोग को समझ में आया मैं क्या किया, पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल किया, आप लोग भी कर लेना, ज्ञानी हो, ईमानदार हो, बहुत जेंटलमैन हो, ठीक। ये हो गया ना, इसके आगे हमको क्या करना चाहिए, इसके आगे मुझे मालूम नहीं, चलो याद आ गया, आईडी लिखूंगा मैं पहले, और यहाँ पे लिखूंगा नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट में कुछ नाम वाम बताया करो यार, कुछ और लिख दो, मैं थोड़ी देर बोलता हूँ कि भाई तू चुप रहा, मेरे को कुछ भी लिखने दे, नहीं मजाक नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना लेता है प्रोजेक्टर ना, मजा नहीं आता है। पीछे आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो और अच्छी बात है, सामने आ जाइए, ना दिखे तो इधर आ जाने का, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं इतना नाम लिख लिया हूं, अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, यहां पे आ जाएगा डे, यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4, इक्वल टू का साइन दिया जी, मैं ले लिया इसी को, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, जाऊंगा सेल, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया कि नहीं किया, चलो लंबे टाइम तक लाइट भी कटा रहा था तो मजा नहीं आया मेरे को। सेल फॉर्मेट पे गए, कस्टम, यहाँ पे मैं जाता हूँ, सिर्फ बोल देता हूँ जी DD, एंटर, ठीक। अब इसी को रिपीट करते जाना है, कैसे करेंगे रिपीट, इक्वल टू का साइन देंगे, बाकी तो आप लोग को मालूम है, इफ लिखा, इसके बाद कंडीशन क्या लगाऊं जरा आप लोग बताना शुरू करिए, सब भूला गए लोग। अगर एक छोटा है 31 से तो क्या करो जी, 31 से छोटा है तो क्या करो, इस एक में एक और जोड़ दो, अन्यथा कुछ मत करो, एंटर, ठीक। अब ये फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक करता हूं मैं और यहां पे क्लिक कर देता हूं तो इसमें भी आ गया, ठीक है। इन सब को पकड़ के खींच लेता हूं, आप लोग जरा बताइए ये ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा 2 से खींचना चाहिए, ठीक है, दिखा देता हूं जी 2 से खींच के, जिसे मोदी जी अच्छे दिन ला के दिखा दिए जी। खैर छोड़िए, मैं उनका तारीफ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं हुआ यार, सच में अच्छे दिन नहीं आए थे,
ये झूठा अफवाह फैलाया गया था, ठीक है ना, तब क्या करेगी, अब इसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, तब अच्छे दिन आएंगे। अब ये किसी को मालूम नहीं है, ठीक है, सिर्फ अब आ गया जी, ठीक है, और इसको पकड़ के खींचता हूँ यहाँ तक, ये तो 32 तक आ गया, वो 33 तक आ गया, हमको 31 तक ही रखना है जी, क्योंकि 32 दिन का तो हम तक अभी हम लोग अभी तक बना नहीं पाए। कई लोगों को मैं देखा आज ऐसे पकड़ पकड़ के राम कहानी लिख रहे हैं, ऐसे पकड़ पकड़ के राम कहानी लिखने से मज़ा नहीं आता है, यहाँ आप सेलेक्ट खींचिए ऐसे, ठीक है, ऊपर हेडर में पकड़िए और जितना चाहिए विड्थ उतना पे पकड़ के छोड़ दीजिए तो अपने आप आ जाएगा, राइट क्लिक करके सेल विड्थ में कॉलम विड्थ में जाएंगे तो भी आपका बन जाएगा, ठीक। तो एक एक ठो पकड़ के नहीं खींचना चाहिए, ये कानूनी अपराध नहीं है, पर तरीका सही नहीं है, ठीक, ये तरीका सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर आप करते हैं तो आपका गिनती बेवकूफ में होता है, ठीक, समझ में आ गया सबको जी। अब इसको भी पकड़ के खींच लूंगा यहां तक और फिर यहां तक जो डिजाइन में आ जाएगा, ठीक, मुझे ये डिजाइन पसंद है इसीलिए मैं लाता हूँ, आपको पसंद नहीं है आप मत लाइए जी। यहाँ पे इक्वल टू का साइन दूंगा जी, टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर लूंगा जी मैं और बोल दूंगा जी वन जो लिखा है ना इसी को ले लाओ, लेकिन किस फॉर्मेट में दिखाओ, डी डी डी, ठीक, एंटर किया, आ गया जी वेडनेसडे। इसको रोटेट कर देंगे हम, कैसे, यहाँ पे जाएंगे कर देंगे ऐसे, काम हमारा बन जाएगा, कितना खुशी का बात है ना, मजाक नहीं, मजा नहीं आया, डबल क्लिक कर दिया। इसको हमको पकड़ना चाहिए और कंट्रोल आर दबाना चाहिए तो राइट फील होता है, ऐसा मैं सुना था, आज देख भी लिया, आप लोग भी शायद देख लिए होंगे। आज 28 तारीख है, दिन कौन सा है, मंगलवार है ना, मतलब कैलेंडर बढ़िया बनाए हैं हम लोग, ठीक, इस तरह से आप लोग भी बना लिया करिएगा। इसको यहाँ तक ऐसे पकड़िए और कर दीजिए मर्ज, और इसको भी यहाँ तक पकड़िए और कर दीजिए मर्ज, ठीक, हो गया जी, काम आसान है ना। अब यहां से पकड़िए जी, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, अब क्या करो, यहां पे आओ जी और यहां पे कर दो ऑल बॉर्डर, ठीक, ये देख लीजिए, ठीक है, अब इधर तक आ गया। आईडी को इतना जगह क्यों चाहिए जी, छोटा कर दो और, ठीक है, तो इसमें और आप कॉलम बढ़ा लो, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, पता नहीं क्या क्या नेम होता है ना, वो सब डाल देना, मैं नहीं डाल रहा हूँ, आप प्रॉपर बनाने के तैयार करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लापरवाह आदमी हूँ, ठीक है, आप लोग कर लो क्योंकि आप लोग ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत झरफर आदमी हो, ठीक है। इसको पकड़ के फिर से और छोटा करता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसमें अब्सेंट और प्रेजेंट ही तो रहने वाला है, इतना जगह क्यों चाहिए, जब नेता मंत्री सब कुछ फ्री है तो सैलरी क्यों चाहिए जी, ठीक उसी तरह से इतना जगह इसको क्यों चाहिए, जब खाली इसमें ये और पी आना चाहिए तो जी, क्यों, समाज सेवा करना चाहिए, खैर छोड़िए वो नहीं करते, हम ही लोग कुछ कर लेते हैं। इसको सब आपको मैं सेलेक्ट कर लूँगा जी, और क्या करूंगा, इसमें मैं लगाऊंगा लिस्ट वैलिडेशन, ठीक है ना, चलिए जी, कहाँ से लगता है मैं तो भूल गया, हाँ डेटा वैलिडेशन, क्या करें याददाश्त थोड़ा कमजोर हो गया है। अच्छा टाइम को सिलेक्ट कर लिया ना, सच में आग भी काम करना बंद कर दिया, प्रेजेंट लीव अब्सेंट, ये आ गया, अब सब में लग गया होगा, ठीक। यहाँ पे आते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं थोड़ा सा, स्टाइल में जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, अच्छा नहीं, इक्वल टू का साइन, अब दे दूंगा मैं क्या, अगर पी है तो क्या करो जी, ग्रीन कर दो, बड़ा अच्छा है, पी लिख के एंटर मारा जी, ग्रीन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे पकड़ के खींच लेंगे और ऐसे पकड़ के खींच लेंगे जी, काम बन जाएगा, कितनी खुशी की बात है ना। चलिए फिर से सेलेक्ट करूंगा, ये लिखूंगा तो क्या हो जाए, रेड हो जाना चाहिए जी,
फिर यहाँ से आऊंगा, मैं यहाँ से आऊंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, इक्वल टू का साइन दे दूंगा और इस पर क्या कर दूंगा, ए करने पे क्या होना चाहिए जी, रेड ही रहने दो, हम रेड से खुश हैं। कंट्रोल नहीं नहीं सिर्फ शिफ्ट दबा के डाउन एरो करूंगा, कंट्रोल डी दबा दूंगा और फिर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाऊंगा, नहीं दबाऊंगा लेफ्ट एरो, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाऊंगा और फिर क्या कर दूंगा, कंट्रोल प्लस आर मतलब राइट फिल। आप लोग को समझ में आ गया मैं क्या क्या दबाया, नहीं आया, कंट्रोल आर दबाया था, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाया नीचे सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाया इधर आ गया, डिलीट बटन दबा दिया सब डिलीट हो गया। अब यहां पे आऊंगा एल लिखूंगा और फिर एल के लिए काम कर लेते हैं जी, तो लीव के लिए क्या होना चाहिए जी, एलो कर देता हूं जी, ये है एलो, ये कर लिया, ऐसे पकड़ के ऐसे कर लूंगा, कंट्रोल डी से डाउन फिल डाउन होता है और फिर कंट्रोल आर से राइट फिल होता है, कंट्रोल आर दबाऊंगा तो फिल हो गया, कंट्रोल जेड किया मैं वापस आया और अब क्या करूंगा, मैं यहां पे जाऊंगा और राइट फिल पे क्लिक कर दूंगा तो राइट फिल हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो जी, बड़ा आसान काम है। ठीक हो गया, अब मैं आता हूं यहां पे, ठीक है, अब यहां पे आ जाऊंगा जी, नया फॉर्मूला भी कुछ बना लेता हूं मैं, क्या फॉर्मूला बनाऊंगा, मैं भूल गया क्या फॉर्मूला बनाऊंगा, आप लोग जरा बताइए मुझे क्या फॉर्मूला बनाना चाहिए मेरे को, नहीं बताओगे, बताने का है मर्जी नहीं है मर्जी ना, नहीं ये बताओगे तो मत बताओ, अब क्या कर सकते हैं, नहीं बताओगे तो एंटर कर दिया जी, इसको अब मैं पकड़ के खींच लूंगा जी, कुछ हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ जी, क्या करें मेरा याददाश्त कमजोर जो है, मैं सीधा मैनेज पे कलर में सेट नहीं किया था, ये देखिए फॉर्मेट नहीं सेट है, एडिट करता हूँ जी मैं इसको, अब फॉर्मेट पे आता हूँ, ठीक है इसको कर देता हूँ रेड, ये सब तो पुराना सेशन में है, आप उसको भी देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं, कहे कि आप लोग तो ज्ञानी लोग हो, इंटेलिजेंट लोग हो, बुद्धिमान लोग हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बुद्धिमान हो आप लोग, क्यों आप लोगों का मजाक उड़ाने के लिए, सच में हो नहीं, ठीक है सीरियस मत लेना इस बात को कि बुद्धिमान हो, ठीक है, क्यों मत लेना सीरियस, इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा, फोन करके पूछ लेना, ठीक है ठीक है, सबको ऐसे बता दूंगा तो सब लोग जान जाएंगे इसके पीछे का क्या है टेक्निक्स, ये देख लो पूरा वैलिडेशन हम लोग का काम कर रहा है ना, मैं इसी को पकड़ूंगा सबको प्रेजेंट कर दूंगा, ऐसे कुछ लोगों को अब्सेंट भी छोड़ दो, ये देख लो, ये देख लो सब इतने लोग प्रेजेंट हैं, डेली आते हैं, रेगुलर आते हैं, तो ये तो बन गया, अब तो काम कर रहा है ये सब कुछ, ठीक है, यही अटेंडेंस रजिस्टर है, इसके आगे पीछे आप लोग कुछ और चाहो तो लिख सकते हो, जैसे नीचे और कुछ कुछ होता है ना अटेंडेंस रजिस्टर में वो सब, इसके मैं इधर आऊंगा किनारे, स्टूडेंट का तो सैलरी होता नहीं, पर मैं जब होता, अगर मेरा मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बनता तो मैं ऐसा सिस्टम बनाता कि बच्चों को भी पैसे दिए जाए, ठीक है, उनसे फीस ना लिया जाए, उनको पैसे दिया जाए उल्टा, ऐसा मैं बनाता, डिजाइन करता ऐसा सिस्टम, पर मैं हूं नहीं तो मैं डिजाइन नहीं कर सकता, ठीक है, खैर छोड़िए, यहां पे प्रेजेंट को काउंट करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट का स्पेलिंग कोई बताएगा मेरे को, नहीं बताओगे तो मत बताओ, नहीं है गरज इतना, ठीक है, ये प्रेजेंट काउंट करूंगा, यहाँ पे अब्सेंट काउंट करूंगा, यहाँ पे लीव काउंट करूंगा, आप लोग प्रॉपर लिखना इसको, इसको ऐसे मर्ज भी कर लिया करना आप लोग, ठीक है, ऐसे कर लेना आप लोग इसको, ठीक है, यहां पे क्या कर दूं, टोटल टोटल डे लिख दूं ना, ठीक है, ये टोटल डे होगा, ठीक है,
और क्या लिखना था, मैं भूल गया यार, इसको रोक के थोड़ा सोच लूँ क्या। तो आप लोग को याद है, बताओगे मुझे और क्या लिखा था? बताओगे? आपको बताने में समय लगेगा, इससे बढ़िया इसको रोक ले। यहाँ पे इस टाइप का कुछ मैं लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे गिन लूँगा जी। मैं बॉर्डर नीचे नहीं दे पाया यार, ऐसे दे देता हूँ बॉर्डर, ठीक है, क्लिक। अब क्या करूँगा जी, मर्ज भी कर दो इन सबको ऐसे। आप लोग कर लेना, मैं एक एक ठो मर्ज करूँगा, समय ज़्यादा लगेगा और इतना समय तो आप लोगों के पास है नहीं है, तब ठीक है आप लोग, मैं ही तब मर्ज कर देता हूँ जब इतना समय है देखने के लिए। तो मर्ज कर दिया, इसका अलाइनमेंट टॉप कर देता हूँ इन सब का मैं, ठीक है, टॉप हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊँगा प्रेजेंट में, क्या फॉर्मूला लगाऊं जी, जरा बताइए कितना प्रेजेंट है, गिनना है मुझे। सी ओ यू एन टी काउंट, काउंट इफ होगा राइट, काउंट इफ। यहां पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, फिर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, फिर कंट्रोल कंट्रोल बटन छोड़ूंगा, सिर्फ शिफ्ट दबाऊंगा और राइट एरो एक बार, राइट एरो दो बार, बस हो गया काम। अब इसको आउट करूंगा ऐसे। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रेजेंट सबको संडे को भी कर दिया हूँ, अब भी उसको गायब कर देता हूँ। अब बोल रहा है क्राइटेरिया बताओ जी, यार प्रेजेंट को गिन लेना, बोल दिया तो गिन लिया प्रेजेंट को। अब ये बोल रहा है कि डिलीट कर दिया, अब 26 हो गया, इसको भी कर दिया डिलीट, तो ये भी हो गया कम, ठीक है। डिलीट हो गया, डिलीट हाँ हो गया 23 दिन। अब लीव वाला को करता हूँ मैं, इसमें जो फॉर्मूला है जी, मैं इसी को कॉपी पेस्ट मार लूंगा, मुझे लिखने का शौक नहीं है, आप लोग लिखना। F2 दबा के लेफ्ट एरो दबाया, यहाँ पे आके लिख दिया L, यहाँ पे भी आया कंट्रोल V दबाया, F2 दबा के फिर लेफ्ट एरो मारा और लिख दूंगा, नहीं यहाँ पे तो A ही होना चाहिए, A, इसको मैं कर दूंगा E, तो E आ गया, इसको मैं कर दूंगा L, तो 22 की जगह पे 21 हो गया और ये लीव हो गया। सही काम कर रहा है मेरा फार्मूला, मेरा नहीं एक्सेल का फार्मूला, ऐसे करके खींच लूँगा, बराबर आ गया। अब यहाँ पे टोटल डे गिनना है, टोटल डे कितना हुआ जी, कित कैसे गिन लूँ मैं, जरा बताइए आप लोग कैसे गिनूँ मैं, इसको लिख लूँ क्या वहाँ पे, इसी को ले लाऊँ क्या टोटल डे में, ठीक रहेगा, इक्वल टू का साइन दे देता हूँ जी, ठीक है, इसको ले लेता हूँ जी, एंटर कर दूंगा, फॉर्मेट बदल दूंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा पक्का, एल ले लो जी, जब टोटल डे ऐसे ही लाना है तो ले लाऊंगा, इसको पकड़ के खींच लूँ, ऐसा हो गया, मज़ा नहीं आया ना, क्यों हो गया जी, कोई बताएगा मुझे, नहीं बताएगा, नहीं बताओगे तो मत बताओ, मैं इसको लॉक कर दूंगा, ठीक, क्या मैं दबा दिया, लॉक कर दूंगा, हो जाएगा, लॉक कर देंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन आएंगे यहां पे ऐसा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, नहीं होगा, हो जाएगा ना, चलिए जी। अब हमको क्या करना चाहिए, एक सेकंड का मुझे समय दीजिए, ठीक ना, ऐसे कैलकुलेट कर लूँ तो क्या बोलते हैं उसको, बोल रहा हूँ कैलकुलेशन,
वो परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा जी, तो इक्वल टू का साइन दे दूंगा जी। ये डेप फंक्शन क्या करता है यार, कोई बताएगा मुझे कुछ? नहीं बताओगे? ऐसे आऊंगा और दे दूंगा इसको, क्या इसको दे दूं काम चल जाएगा? दे देता हूं, काम नहीं चलने लगेगा तो देख लेंगे। 31 बता दिया ये, अब इस पे हम क्या कर लेंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी लॉक कर दो, चलिए जी लॉक कर देता हूँ मैं, एंटर दबा दिया, एंटर नहीं डबल क्लिक किया वहाँ पे, रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे पे डेट का क्या मतलब है यार, कितना दिन का मुझे पेमेंट करना है, यही है ना इसका मतलब? मुझे याद नहीं है, ठीक है। हम कितने दिन का देंगे, संडे का दे देंगे, छुट्टी लिया है उस दिन का दे देंगे और प्रेजेंट का दे देंगे, राइट। संडे को गिनती करना पड़ेगा हमें, मैं कैसे गिनती करूं? इक्वल टू का साइन दूंगा जी, अच्छा पहले से दे चुका हूं, काउंट का लिखूंगा कोड, ठीक है काउंट इफ। अब मैं क्या करूंगा, इन सब को मैं कैलकुलेट कर लूं जी, कर लूं ना करूं? करने में बुराई क्या है, नहीं है कोई बुराई ना, चलिए ऐसे किया। अच्छा इसमें और भी तो कुछ देना पड़ेगा क्राइटेरिया वगैरह, ऐसे किया और इसमें लिख दिया जी संडे, ठीक ऐसे कर देता हूँ इंटर। इसको क्या करूँगा, पकड़ के मैं खींच लूँगा तो ठीक हो जाएगा ना। अब इसमें मैं क्या जोड़ दूँ, इसको भी जोड़ देता हूँ और इसको भी पकड़ के खींच लिया। कैलकुलेशन सही है क्या? हाँ मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसका 23 दिन कैसे है, आपको मालूम कैसे है? हमने लॉक नहीं किया, ठीक। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लॉक करना पड़ेगा, इसको स्थगित करना होगा, रोकना होगा कि भाई तू रिपीट मत हो जा। अब इसको मैं पकड़ के करूंगा, खींच लूंगा तो ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ एक्स्ट्रा में 4 4 4 बोल रहा है, कहीं को इसको पैसे देने का नहीं देने का, तो क्या करूंगा, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा मैं इफ का, क्या अगर व्यक्ति आया है, ठीक है, वो 0 के बराबर अगर नहीं है, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब ये यहां पे जो आया है उसका वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब 0 नहीं है तो 0 से बड़ा होगा ना, 0 है से बड़ा है, तो क्या करो जी, कर दो काउंट। इक्वल टू फॉर्मूला लगाऊं या ग्रेटर देन लगाया हूं तो आपको समझ में आ रहा है? जीरो, ठीक। तो क्या करो जी, काउंट करके ये सब दे दो, ठीक। अन्यथा क्या करो, यहां पे आऊंगा कॉमा दूंगा और यहां पे कर दूंगा 0, ठीक। काम करेगा फॉर्मूला? नहीं करेगा तो हमारा ले क्या लेगा, हम फिर से बनाएंगे इसको। काम कर दिया जा रहे तो बड़ा खुशी का बात है। एक ठोका 26 है तो इन लोगों का 27 कैसे हो गया? अच्छा एक ठो अपसेंट है ही, एक दिन यार इसका वैल्यू कम होगा, अपसेंट करूंगा तो प्रेजेंट कर देता हूँ, चल भाई तू भी 27 दिन ले ले। अबे बोल रहा है एक दिन का सैलरी कितना, चल भाई तुमको 500 दे दिया मैं, ठीक। ऐसे डबल क्लिक किया यहाँ पे, जब बना था वो तीर का निशे गोल चौक क्या उसको बोले प्लस का साइन, तब यहाँ बोला टोटल पे कितना करना है जी, भाई ये जितना दिन आया है उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे किकरे से कर दो, इससे कर दो, एंटर कर दिया, ऐसा बन गया जी। अब यहाँ पे आऊँगा, जब ये साइन बन जाए ऐसा, तो डबल क्लिक कर देने का आ गया, ठीक। तो ऐसा बन गया, ठीक। चलिए जी ठीक है, इतना तक तो सबको क्लियर होगा जी। चलिए ये फॉर्मूला बराबर काम कर रहा है, सबको बराबर काम कर रहा है ना। अब जो डेट आप डालोगे उस दिन के लिए
एक कैलेंडर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं इतना ही करूँगा, आपको कुछ और भी करना है तो और भी कर लीजिएगा। अब मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ऐसे। ठीक, अच्छा ये करने से पहले मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, टोटल ऑल सेलेक्ट होगा, कंट्रोल सी दबाऊँगा और फिर यहाँ पे आऊँगा सीट टू पे, एंटर दबा दिया। ये क्या मजाक हो गया, मजा नहीं आया मेरे को बिल्कुल, बहुत मुसीबत है। चलो इसका नाम बदल देते हैं हम लोग, तब शायद देखते हैं। FEB, एंटर किया। ठीक है, तो ये बोला जी अब मजाक नहीं करूँगा। ठीक, इसी तरह से आप कॉपी कर सकते हो, या फिर इस पे राइट क्लिक करो, मूव आर कॉपी, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, क्रिएट कॉपी मैं क्लिक करूंगा और इस पे ही क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और कर दूंगा जी ओके। तो इसका एक और कॉपी इधर बन गया, इधर बन गया। ठीक है, यहाँ पे रिनेम करूंगा। ठीक है, एंटर। अच्छा है, बोल रहा है कि एक तो पहले से फरवरी बना रखे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको रिनेम करूँगा। फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च लिख दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इसको कर दूंगा फरवरी। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, ये देखिए यहाँ तक कर दूंगा मैं डिलीट बटन पे क्लिक। ठीक, जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक किया तो क्या हो रहा है, इधर कुछ नहीं आया, सैलरी बस इधर आ रहा है, बाकी जीरो, सब कुछ जीरो है। आ गया ऐसा। यहां पे भी मैं आऊंगा ऐसे। ठीक, डिलीट बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक, यहां पे आऊंगा जी, इसका भी मैं डिलीट कर दूंगा वैसे ही। ठीक है, डिलीट कर दिया ऐसे। मैं फटाफट जो है 12 महीने का 12 ठो सीट बना लेता हूं। ठीक है, JAN। ठीक, यहां पे 2021 मैंने लिखा है ना, ये 2021 में नहीं रहने दूंगा यहां पे, तो क्या कर देना चाहिए मेरे को, इसको लाऊंगा किनारे। ठीक है, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए, मैं पहले लिख लेता हूं फिर आपको बताऊंगा कि मैं सोच क्या रहा था। ठीक है, एक ठीक है, पहला दूसरा तीन चार हो गया, शिफ्ट F11, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, मैंने कर दिया 12 ठो। ठीक है, कल की तरह फिर से मैं इसको पाउस करके नाम लिखता हूँ, कल नाम लिखते डिलीट कर दिया था, आज नहीं करूँगा मैं डिलीट। पाउस हो गया, रिज्यूम, प्रॉपर नाम लिखा हुआ है, बता दो जरा जी, नहीं यूट्यूब पे जाएगा तो मेरा मजाक बन जाएगा जी, बेइज्जती हो जाएगा। तो ये ठीक है ना, महीने का नाम बराबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, गलती होगा दो चार तो क्या बिगड़ेगा, क्यों, मार्च तक मैंने कॉपी कर लिया था, क्या मैं अब मार्च को कॉपी करता हूँ, फिर से यहीं पे आऊंगा ऐसे, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा कंट्रोल वी कर दूंगा। अप्रैल 30 दिन का होता है क्या, यहाँ पे 30 आ गया, पेस्ट कर दिया, मई हो गया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, जून हो गया, पेस्ट 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 पेस्ट, जो मैं बार बार पेस्ट किया, इसमें मैक्रोज वगैरह का ये भी इस्तेमाल कर सकते थे, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं नहीं किया हूं, आप लोग कर लेना मन करे तो। ठीक है,
तो ये हो गया, कैलेंडर बन के रेडी हो गया है ना। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप किया, मान लो एंटर मारूंगा, नहीं लेगा, वैलिडेशन काम कर रहा है हमारा, ठीक। अब एक दिन वो प्रेजेंट हुआ है, ये देखिए इसका पैसा बनेंगे अब, ठीक बन गया ना। मैं लेकिन डिलीट कर देता हूँ, ठीक। अब क्या करूँगा, मैं आऊँगा इस पे, ठीक। यहाँ पे लिख दूंगा जी अटेंडेंस रजिस्टर, स्पेलिंग बताओ, अटेंडेंस सही है लिखा हूँ, गलत भी होगा तो मेरे को नहीं आता है अंग्रेजी, रजिस्टर, स्पेलिंग सही है रजिस्टर का, गलती ये होगा तो मेरा बिगड़ने वाला तो कुछ है नहीं जी। इसको मर्ज कर देता हूँ ऐसे, इसको थोड़ा कर देता हूँ मैं रेड कलर में, नहीं वाइट कलर में करूँगा, फिर इसको कर दूँगा ब्लैक कर दूँ, नहीं रेड करूँगा, मेरा इच्छा रेड करने का है, ऐसे कर दूँगा इसको मैं ऐसे, फिर कर दूँगा बोल्ड, बढ़िया हो गया, अटेंडेंस रजिस्टर है ये, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, दो चार पाँच ठो आकृति ले लूँगा इधर से, बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कर दूँगा ऐसे, ये आकृति मेरे को मज़ा नहीं आया, कौन सा आकृति लूँगा, इधर पे आ जाऊँगा, ये वाला लेता हूँ, ठीक ठीक है। 8-10 कॉपी बना लेता हूँ, नहीं 8-10 कॉपी बनाने से पहले बताओ जरा इसमें से बहुत अच्छा कौन दिख रहा है, ठीक है ये, कौन सा बढ़िया रहेगा जरा बताओ, है कोई इफेक्ट इसमें से, कोई इफेक्ट वगैरह ले लूं, ठीक दिख रहा है, या कोई और ट्राई करें, इसी को रख लें क्या, रख लेता हूँ इसी को, ठीक। जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ये मैं बड़ा बड़ा तो सैप नहीं बना दिया, क्यों माइनस, अरे यार माइनस करना चाहिए तो मैं प्लस दो, नहीं नहीं जेड नहीं चाहिए भाई, स्प्लिट करूंगा इसको, माइनस मर्ज, ठीक, माइनस कंट्रोल माइनस दबाया, यहाँ आ गया, ठीक। आकृति को छोटा करूँ क्या, और कि ठीक है, ठीक है छोटा करूँ, इतना बड़ा ठीक है ना, इन सब को मैं डिलीट मारता हूँ, फिर डिलीट है, हुआ नहीं डिलीट, अरे डिलीट हो जाओ भाई, कंट्रोल दबा के मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ना सबको, अब इसी को पकड़ूंगा ऐसे खींचूंगा कंट्रोल दबा के, तो ऐसे बनते जा रहे हैं, ठीक है डिलीट, ऐसे कंट्रोल दबा के पकड़ के खींचा, फिर खींच लिया, एक ठो और खींच लूँ ऐसे, 12 हो गया, ठीक है। इसमें क्या लिख दूँ, GEN, ये है जनवरी का, ठीक, इसको ऐसे कर देता हूँ, इसका फॉन्ट को क्या कर दूँ, बड़ा, ठीक है ना, कलर वलर कुछ बदल दूँ कुछ, ठीक है वाइट, ठीक है ठीक है, इन सब को मैं फिर से डिलीट करूँगा, मेरे को एक ही बार लिख लेना चाहिए था लेकिन मैं नहीं लिखा, ठीक है।
सब मैं लिख के इसको रिज्यूम करूँगा ताकि ये छोटा रहे आप लोग। ठीक दिख रहा है, बन गया ना? अरे ये क्यों दिख रहा है ऐसे? हो गया बराबर? ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना कि मैं चाहता हूँ कि इस पे जैसे क्लिक करूँ तो ये खुल जाए, जिस महीने वाले पे क्लिक करूँ वो खुल जाए। ठीक ठीक है, ठीक है ना? चलिए जी, कर देता हूँ, सब बराबर है। वेट, एक बार वहां पे जाके एंटर में दबा दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए नवंबर में है तो सितंबर क्यों बता रहा है ये लो। ठीक है, नवंबर, तो ये सब बराबर काम कर रहा है जो है, ये देखिए कर रहा है ना। यहाँ पे दिसंबर क्यों बता रहा है भाई? ठीक हो गया, इसमें आऊं, ये देखिए सबको मैं लिंक कर दूंगा अब। ठीक है, हाइपर लिंक इंसर्ट कर दूंगा, राइट कर क्लिक करूंगा, हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा। ठीक है, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट जनवरी। ठीक है, हाइपर लिंक फरवरी। क्लिक करूंगा तो पहुंच गया मैं। ठीक है, इसको मार्च में कर दूंगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो मैं सभी में हाइपरलिंक इसी तरह से इंसर्ट करके, ठीक जी, सब में हाइपर लिंक में इंसर्ट कर दिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल क्लिक कर दिया, खुल के मेरा रेडी हो गया। अब जैसे चाहो कर लो। ठीक, जैसे मैं इस पर क्लिक किया, इधर एक ठो बटन आप लगा सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे इंसर्ट कर सकते हो ऑटो से, मैं नहीं करूँगा, आप करना ये। ठीक, ऐसे। ठीक, यहाँ पे लिख देना क्या, होम। ठीक है, कैसे लिखोगे, एच ओ एम ई। ठीक, और इसमें क्या कर देना, इसको ले आना सेंटर वगैरह में। ठीक है, राइट क्लिक करोगे, हाइपर लिंक में जाओगे, बोल दोगे सीट नंबर 5। ठीक ठीक ना, क्लिक किया, सीट नंबर 5 पे आ गया। ठीक है, इसका नाम लिख देना अटेंडेंस डैशबोर्ड। ठीक है, मैं चाह रहा था कि यहाँ पे जो है ईयर हो और यहाँ का ईयर जो है वहाँ पे जो है जाए। जैसे आता हूँ यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं ईयर वहाँ से उठा ले, तो उठा लेगा। कैसे उठाएगा आपको मैं बताया हूँ, इक्वल टू के मल्टीपल सीट के साथ कैसे करना है, और डिफरेंट वर्कबुक डिफरेंट सीट के साथ कैसे काम करना है। ठीक है, आपको मैं बताया हूँ तो आप वैसे ही कर लोगे। ठीक, तो सबसे बन जाएगा इस तरह का, बना लेना आप लोग। ठीक है, इसका नाम बदल देना सीट का, और कुछ रख देना इसका, क्या नाम रखोगे जी? अटेंडेंस का डैशबोर्ड, अटेंडेंस डैशबोर्ड कुछ इस तरह का। ठीक है, तो क्लिक करेंगे और चले जाएंगे हम उसमें, और अटेंडेंस पूरा हम रेडी कर देंगे। ठीक ठीक है, बन जाएगा सबसे। कोई किसी को दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत ना हो तो मैं फिर बंद करूं अब। ठीक, नहीं होगा ना? आप लोग को मैं जो एडमिशन फॉर्म दिया हूं ना, क्या चीज, क्या कह रहे हो? रुकना, इसको बंद कर ले रहा हूँ, फिर बताओ क्या बोल रहे हो। समस्या नहीं है, तो आप लोग बनाना। एक चीज मैं बताना भूल रहा था जो अचानक से मुझे अभी याद आ गया। ठीक, वो क्या है, जैसे मान लो अटेंडेंस आपने भरा, सीट को सेव करने लगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख के इंटर किया, कुछ एडिटिंग किया, मैं क्लोज करूंगा तो बोल रहे सेव करूं,
मैं बोल दिया हाँ जी सेव करो, सेव हो गया। फिर इस पर क्लिक किया, यहाँ पे सेव निकला, फिर से इसको डिलीट किया, अब मैं क्लोज कर रहा हूँ तो बोल रहा है सेव करो। ठीक है, बहुत अच्छा होता कि हम सीधा क्लोज कर देते, सेव करने का जरूरत ही नहीं रहता। होगा, मैं गूगल पे सर्च किया, ऑल्ट एफ 11 दबाऊंगा तो आ जाएगा विजुअल बेसिक का एडिटर। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा, क्या कोड होगा, मैंने गूगल पे सर्च कर लिया था, मेरे को पता चल गया था। ठीक है, VBA कोड है एक तो, क्या कोड है जी, बिफोर क्लोज करके है कुछ इवेंट, इस पर आऊँगा और बिफोर क्लोज इवेंट पे क्या लिख दूंगा, एक्टिव वर्कबुक। ठीक, इसमें आऊंगा और एक्टिव वर्कबुक को क्या कर दो जी, सेव कर दो। ठीक, बस इतना ही लाइन मैं लिख दूंगा इसमें। अब इसको बंद करूंगा, इसमें बंद कर दूंगा, अब इसको मैं सेव कर दूं मैक्रोज के साथ, इसमें मैक्रोज में VBA है। ठीक है, तो क्या करोगे, सेव एज कर लो ना यार, इनेबल कर दोगे यहां से जो मैं बताया था आप लोगों को पहले, सेव कर दिया। ठीक है, बंद कर दो, बंद कर दिया जी, ये नहीं है, डोंट ट्रिप भाई, अब की बार डोंट सेव के चक्कर में पार मत हो जाए पूरा, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। बोल रहा है मैक्रो हैज बीन डिसेबल्ड, मैं इसको इनेबल कर दिया एक बार। ठीक है, अब पी लगाया यहाँ पे, एंटर मारूंगा, बंद कर दिया, सेव हो गया अपने आप। फिर खोलूंगा, फिर कुछ भी यहाँ पे लिखा, एंटर मारा, क्लोज कर दिया, सेव हो गया अपने आप। ये देख लीजिए, डिलीट मारा, क्लोज किया, सेव हो गया अपने आप। ठीक, तो हो गया, इसी तरह से आप बनाओगे। ठीक, आप लोग को जो मैं सीवी रमन का जो एडमिशन फॉर्म दिया था ना, उस फॉर्म को आप लोग रिजाइन करो, फिर कल हम लोग देख लेंगे कि एडमिशन कैसे लेना है फॉर्म वगैरह से। कुछ टेक्निक्स आपको मालूम, मैं बताया था कि सेव बटन पर क्लिक करें तो क्या हो जाना चाहिए, अगले सीट में जाके सेव हो जाना चाहिए, बोला था ना, कल से वो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप लोग आज फॉर्म बना लोगे तो। ठीक ठीक है, फॉर्म मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया है। ठीक है, एक बार और भेज दूं, नहीं आया है, चलिए जी रुकना थोड़ा सा, यही फॉर्म है आपका। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, फोटो फोटो खींच लो, लेकिन फोटो खींचोगे तो आएगा क्लियर, नहीं आएगा ना, कोई इसी तरह का आप कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ले लेना, या आप व्हाट्सएप पे मैं भेजा हूँ ना, देख लेना। ठीक है, आपको बनाना कैसे है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, सबसे पहले आप क्या करोगे कि इस कॉलम को गिन लेना, मैक्सिमम जितना कॉलम होगा ना उतने कॉलम में पूरा बना लेना है। ठीक है, ये पूरा हेडर रहता है ना, जैसे ये देख लो। ठीक, कंट्रोल एन दबाता हूँ, सेलेक्ट करना है ऐसे और हेडर को पूरा कर लेना है ऐसे कम। ठीक है, कहे कि आप मर्ज वर्ज पूरा करोगे ना तो दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, ये देख लो, अब यहाँ पे तो ऊपर में आप टाइप करना ऐसे, क्या बोलते हैं, इस तरह से आप पूरा एक जगह कर लेना, फिर आप क्या करना, ऊपर से फॉर्म बनाना शुरू करना, एक कंटेंट लिखना। कैसे कंटेंट लिखोगे, कंटेंट जितना होगा कंटेंट उतना ऐसे लिख के छोड़ देना, फिर इसके बगल में डब्बा वगैरह बना देना। ठीक है, ऐसे बना दोगे आउटसाइड तो इस तरह से डब्बा होगा, पूरा डब्बा बनाना है तो ऐसे पकड़ना, ऑल बॉर्डर कर देना तो पूरा बॉर्डर बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से डब्बा बना लिया करना, और यहाँ पे जितना कंटेंट लिखना है लिख लेना ऐसे। ठीक है, जितना कंटेंट है लिख लेना ऐसे, और इधर डब्बा बना देना आप लोग। ठीक है, ऐसे। ठीक, आखिरी में मर्ज कर देना, या उस समय भी आप मर्ज कर सकते हो। ठीक है, अनमर्ज करके फिर बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आप बारी सारा पहले कॉलम को गिन लेना कितना है, या फिर नहीं गिनोगे तो अंदाजा से रफली कॉलम का ऐसे सिलेक्ट करके इसको कर लेना ऐसे छोटा। ठीक है, जैसे हाँ इधर फोटो का एक दिया हुआ है तो फोटो के लिए आप कर लेना ऐसे कुछ सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और कर देना आउटसाइड बॉर्डर, तो आउटसाइड बॉर्डर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बॉर्डर वैसे दिया है। ठीक है, तो उसी तरह से हेडिंग वगैरह बना लेना, फोटो नहीं आएगा तो मत आए। ठीक है, ये आपने बना लिया बॉर्डर, अब यहाँ पे देखिए ऐसे एक तो बॉक्स चाहिए आपको, तो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टच हुआ चाहिए ऊपर में, थोड़ा इतना
ये देखिए ऐसे आप कर लोग कर लीजिएगा, ठीक है सभी, ये देख लीजिए इस तरह से आप अरेंज करिएगा इसको, कॉलम को विड्थ को कम ज्यादा करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दो ठोक है ना, जैसे मैं इसको बड़ा करूं, ये देख लीजिए इसके बीच में और इसके और इसके बीच में थोड़ा थोड़ा है ना जगह, तो ऐसे ही कर लेना। और इसमें क्या है, नीचे दिया हुआ है तो आप नीचे भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ आपने लिख दिया, ठीक है, अब यहाँ पे आपने कुछ यहाँ पे कर दो बॉर्डर, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, ठीक, इसको कर दूंगा ऐसे मैंने बॉर्डर, ठीक है, ऐसे कर दूंगा ऑल बॉर्डर इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा ऐसे, फिर इसको छोड़ दूंगा, यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करूंगा और फिर इसको कर दूंगा बॉर्डर ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दूंगा, ये जगह थोड़ा ज्यादा छूट गया तो इसको ऐसे मैं कर लूंगा, ठीक है, हो जाएगा, आसान काम है। अभी देखिए ये वाला छोटा हो गया तो क्या करेंगे जी, इस बॉर्डर को तो क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दूंगा नो बॉर्डर, और फिर यहाँ पे जो है इसको कर लूंगा, या फिर इसी को कर लूंगा ऐसे, इस सब को कर दूंगा मर्ज, या फिर मर्ज नहीं भी करूंगा तो ऑल बॉर्डर कर दूंगा मैं, ठीक है, ऐसे ऑल बॉर्डर कर दिया तो बन गया, ठीक है, ऐसे कर लोगे, मर्ज भी करना है तो आखिरी में मर्ज कर देना, ठीक है, या फिर अभी मर्ज कर दो, जैसे आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, बना लोगे ना आप लोग, बन जाएगा ना, बन रहा है। इसी को मैं पकड़ के खींचूंगा थोड़ा सा तो क्या होगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, बन जाएगा ना। एक चीज हमेशा याद रखना, असंभव कुछ नहीं होता, हर काम होने से पहले असंभव ही होता है, काम होने के बाद संभव लगता है, ठीक है, कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में, ठीक। आप काम करोगे तो होगा, काम नहीं करोगे तो नहीं होगा, जितना बड़ा आपको कामयाबी चाहिए उतना बड़ा संघर्ष करना ही पड़ेगा, ठीक। हर सपना पूरा होने से पहले सपना ही होता है, असंभव ही होता है। सब लोग कहेंगे नहीं कर सकते, असंभव है, करके दिखा दो, तो नहीं हो गया, होने लायक था, ठीक है, होते हैं ना, जब बच्चा टॉप कर दे तो कहेंगे अरे मैं तो जानता था बहुत होनहार है, कामयाब हो गया एक दिन, मैं तो पहले ही कह दिया था ये बात, और जब फेल हो जाएगा बोलो लक्षण ही दिख रहे थे इसके, आवारा गर्दी करने से तो टाइम नहीं मिलता था, ऐसे लोगों से दूरी बना लेना, ठीक, ऐसे लोगों से सांप और नेवले का एकदम बैर होना चाहिए, दूरी बना लेना कि ऐसे लोग दिखने नहीं चाहिए आपको, ठीक है, ठीक ना। आप कितने कामयाब होते हैं ये सिर्फ आपका भाग्य नहीं तय करता, बल्कि आपके साथ जो रहते हैं उनका भाग्य भी योगदान उसमें देता है। तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल मत रहना, ठीक है, जो कहता है नहीं कर पाओगे, असंभव है, ये है वो है, अरे भैया तूने तो कुछ किया नहीं अपने जिंदगी में, मुझे भी करने से रोक रहा है, ठीक है, ऐसे लोगों के बात कभी मत सुनना, ठीक। हाँ, आपका क्या क्षमता है पड़ोसी को कैसे पता चलेगा, आपको भी नहीं मालूम आपका क्षमता क्या है, ठीक है, इसीलिए सामने वाला कहे मत सुनना उसका, ठीक है, बस सामने वाला कहे तो बस, ठीक है, छोटा रहे तो मत बोलना कुछ, सुनना ही मत, बड़ा रहे तो कहना हाँ हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ऐसे ही बोलना, ठीक है सही बोल रहे हैं आप, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जब वो चला जाए तो बोलना तू अपना कार का काम कर, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है। आपको इस दुनिया में खुश रहना है, सामने वाले का सारा बकवास सुन लो, आखिरी में कह दो पागल है साला, ठीक है। तो इसलिए इसको बनाइए आप लोग, ठीक है, इसको बनाइए, बनाने के बाद कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो, कोई प्रश्न नहीं है तो बनाओ। सब काम होने से पहले कठिन ही होता है, काम हो जाने के बाद आसान लगने लगता है, ठीक, और असंभव तो कुछ होता ही नहीं है जी, सब संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ जी, और कोई प्रश्न तो आपके मन में है नहीं, है तो पूछो, ना है तो कह दो नहीं है, बंद कर दूं, चलिए जी। कुछ बचा तो नहीं, कुछ बचा होगा कुछ भूल रहा होगा तो बाद में बता दूंगा, कभी स्टॉप कर।